अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शिहाब की तरह ये शख्स भी पैदल हज पर निकला हुआ है। आज इनसे इनके बारे में पूछते हैं, क्या रूट है, किस तरह जाएंगे और शिहाब के बारे में इनका क्या कहना है। आइए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। और ये शिहाब के बारे में बहुत कुछ बोल गए हैं, क्या इन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि शिहाब तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है लेकिन इन्हें कोई जानता तक भी नहीं। ये अपने बारे में दावा कर रहे हैं कि मैं भी पैदल हज पर निकला हुआ हूँ, तो अल्लाह इनके भी सफ़र को कबूल फरमाए। इनका भी आइए पूरा इंटरव्यू सुनते हैं। हम्बर्टी महाराष्ट्र में। एक वो जा रहा है जो पूरे वो जा रहा है केरला का वो पूरे उस पर प्रचार और वो चल रहा है। उसका तो बड़ा आदमी है। एक आप हो कि किसी को पता है, बहुत गरीब हो। अरे आका को ऐसे ही लोग पसंद है। फकीर हूँ उसके घर का बस। तो अभी यहाँ से कहाँ तक जाओगे आप? मैं चिड़िया में कम रहूँगा। चिड़िया नहीं तो मतलब कहाँ कैसे रूट, मतलब चिड़िया से कहाँ? नहीं मैं चिड़िया विस्टर्न खरगुन होते हुए रतलाम धार मंसूर जावरा होते राजस्थान होते हुए जाऊँगा। राजस्थान से कहाँ जाओगे? राजस्थान से मैं जाऊँगा पंजाब जाऊँगा। पंजाब? हाँ पंजाब से मेगा बॉर्डर से पहुँच जाऊँगा। कौन सी बॉर्डर से? मेगा बॉर्डर से। अच्छा पाकिस्तान निकलो। और वहाँ से फिर सीधा बस वो आगे इराक ईरान बस ऐसे ही चलना है। इराक ईरान। अच्छा तो वीजा सभी देशों का ले लिया होगा आपने? बस अल्लाह है, अभी मैं आगे चल रहा हूँ, आ जाएगा पीछे से ऐसा। तो कोई लोग अभी तो बस अल्लाह के एहसान और करम से धूम से निकला हूँ। अच्छा और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको हिट करो।